नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम मौजूद है मधुबनी के संकट मोचन कॉलोनी में, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में, जहां पर निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर यहां पर सैकड़ों की संख्या में पेशेंट मौजूद है और पे अलग अलग फैकल्टी में निशुल्क इलाज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस कैंप की ये है कि इस निःशुल्क कैंप में न केवल इलाज किया जा रहा है बल्कि दवाई भी आपको निःशुल्क दी जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर लगातार लोगों का उत्साह है और लोग यहाँ पर काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर आज हमारी डॉक्टर वीके गिरी जी से बात भी हुई और उन्होंने अपने इस निशुल्क कैंप के बारे में जानकारी दी और साथ ही जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में जिस तरह की फैकल्टी है उन सभी फैकल्टी के बारे में बताया और साथ ही मधुबनी में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको लेकर भी हमने उनसे सवाल किए, जिनको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज चिकित्सा मधुबनी में एक जटिल होती चली जा रही है, उसको लेकर मेडिकल से काफ़ी जुड़ी संबंधित बातें बताई और रोगियों किस तरह से पेशेंट को अच्छा से अच्छा इलाज मिले इसके बारे में जानकारी। जेम्स फोर्ड में किस किस तरह की फैकल्टी है और किस किस चीज़ का यहाँ पर इलाज हो रहा है? देखिए, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में एक जेम्स फोर्ड के मल्टी मेडिसिटी के रूप में हमने इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की है। उसका उद्देश्य मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि यहाँ पर किस किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या क्या मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मेडिसिन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी एंड ऑब्स मतलब स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ, साथ में ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ENT एंड डेंटल, लगभग सभी तरह के विभाग हमने कोशिश की है कि एक छत के नीचे व्यवस्थित करो ताकि किसी भी तरह की समस्या उन लोगों को हो तो एक उचित मार्गदर्शन में सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो सके। ऐसे नहीं कि और जगह नहीं होते हैं इलाज होते हैं, लेकिन एक छत के नीचे नहीं होने के कारण से या फिर प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित नहीं होने के कारण से कुछ लोगों को जो बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए, जो समस्या का समाधान होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे कहीं पे कोई अगर कोई सीजरियन सेक्शन होता है, जैसे अभी कुछ ही घटना आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले कहीं ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान पेशेंट सीरियस हो गया, फिर उन्हें वो व्यवस्था नहीं था, कहीं और भेजना पड़ा, रास्ते में डेथ हो गया। तो डेथ हो जाने के बाद फिर ये एक ऐसी समस्या है कि जीवन को वापस नहीं ला सकता। तो एक इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हम ऐसी व्यवस्था यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि एक ही छत के नीचे वो सारी व्यवस्थाएँ हों जिससे जीवन को पूर्णतः सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी परिस्थिति से उनके जीवन को रक्षा दिया जा सके, रक्षा किया जा सके, जो कहीं भी मेडिकल साइंस में जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी या मैक्सिमम जो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ केयर होना चाहिए, वो मैं एक मधुबनी में अवस्थित करना चाहता हूँ ताकि जिन चीज़ों के लिए लोग कभी कभी बाहर जाना बाहर सबके लिए संभव नहीं हो पाता, बाहर जाने के बाद भी बहुत लोग जो आर्थिक समस्या का नहीं जा पाते हैं, जिनको आर्थिक समस्या नहीं भी है, जो आर्थिक संपन्न भी है, वो लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो मिसगाइड होने के कारण से प्रॉपर उनको केयर नहीं हो पाता और वो लाइफ उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस कारण से मैंने सभी विभागों को एक साथ, जो कि कुछ पटना के डॉक्टर्स और दिल्ली से जो हमारे फेमस डॉक्टर्स हैं, उन लोगों का एक समुचित टीम बनाकर, विशेषज्ञ टीम बनाकर और अपने हॉस्पिटल को एक प्रॉपर मंच की व्यवस्था करके ताकि उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस और प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और उनके प्रॉपर इंटरवेंशन हो सके, उस सारे इंटरवेंशन का व्यवस्था हमने करने की कोशिश की है ताकि एक छत के नीचे ही उनकी सारी समस्या समाधान हो जाए। सर, कहीं ना कहीं मधुबनी में जो चिकित्सा या जो प्रणाली है, यानी कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था है, काफ़ी लचर है। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज से लेकर हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी लचर है। पेशेंट यहाँ पर काफ़ी हताश हो जाते हैं और दरभंगा पटना की ओर जाते हैं, तो क्या इस बारे में कुछ सोचा है आपने इसी तरीके? बिल्कुल, मैंने इस बारे में जैसे कि पहले मैंने बताया कि यह मेडिकल प्रोफेशन, इसे हम एक कोई बिजनेस नहीं है, इसको बिजनेस के रूप में हम लोग नहीं रख सकते, इसको एक सेवा भाव है, क्योंकि यह जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। कोई सामान का मोल भाव नहीं है कि हम सामान कहीं से खरीदें और तो पैसा लेके सामान दें। जीवन का रक्षा हम सब का दायित्व होता है। हम डॉक्टर हैं तब भी, नहीं तो डॉक्टर नहीं है तब भी, हम अपने और अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। तो जिसमें हम लोग डॉक्टर्स हैं तो उनको हम लोग स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि जीवन को रक्षा करने के लिए, जो मेरा कर्तव्य ईश्वर ने हमें ये जगह दिया, ये स्थान दिया है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन हम अपनी ईमानदारी और पूरे निष्ठा के साथ करें, वही हमारी सेवा है।
और लोगों की जो सेवा कर पाते हैं जीवन रक्षा करके, वही हमारी असली कमाई है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी आर्थिक ज़रूरतें भी इसी पे निर्भर करता है, ये विडम्बना है, लेकिन फिर भी उसी में जो लोग सक्षम हैं वो लोग हम लोगों को हम लोगों को खिलाते हैं, और जो लोग सक्षम नहीं हैं हम उन्हीं के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं, ताकि सभी लोगों का सेवा हो सके। यही तभी हमारा यह प्रोफेशन या हमारा यह कार्य सफल होता है। अनुभव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैंने MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया, फिर मैंने अगला जो एजुकेशन मेरा है वो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से किया है, उसके बाद हार्ट इंस्टीट्यूट मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने कार्डियोलॉजी में एक लंबा सेवा दे करके और अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के, मैं जब वहाँ था तो मैं इन चीज़ों के प्रति पहले से ही संवेदनशील था, चूँकि मैं मिथिला के माटी पानी में पला भरा हूँ, यहाँ के दुख दर्द से अवगत हूँ, तो इन दुख दर्द में को मैं पहले से कहीं ना कहीं मैं हृदय में लेके गया था वहाँ पर, ताकि मैं उन सारे टेक्नोलॉजी को, सारी उन व्यवस्थाओं को और सारी स्वास्थ्य सेवाओं को मैं अपनी जगह लेके आऊँ, अपने माटी पानी के लोगों के लोग लेके आऊँ, ताकि सभी लोग जो इससे वंचित हैं उन सबों को जीवन रक्षा हम लोग यहाँ रह के कर सकें। इसीलिए मैंने एक छोटा सा कुटिया के रूप में मैंने एक जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल भी स्थापित किया है, क्योंकि यहाँ पर इसको हॉस्पिटल कम और आश्रम ज़्यादा रूप में हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर स्टाफ भी देखेंगे तो सब सेवा भाव से ही है, सबों को मैंने ऐसा ही संस्कार दे रहे हैं कि सबों के अंदर सेवा का भाव हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन हमने नहीं रखा है कि किसी के पास पैसा है तो ही इलाज होगा, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा, क्योंकि जीवन रक्षा करना, लोगों का सेवा करना मेरा पहला उद्देश्य है, और सेकेंडरी होता है पैसा, क्योंकि सिस्टम उसी से चलता है। इसी वजह से जो लोग सक्षम हैं उन्हें हम रिक्वेस्ट करके उनसे लेते हुए, ऐसा भी नहीं कि उनको कोई प्रेशर हम लोगों का रहता है कि नहीं इतना दीजिएगा तो इलाज होगा, इलाज पहले करते हैं हम, उनका पॉकेट देख के इलाज नहीं करते। यहाँ जो लोग आते हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी हम क्या सेवा कर सकते हैं हम पहले उसकी प्राथमिकता देते हैं, और वो खुद से उनको जो सेवा देना हो तो खुद से सेवा देते हैं, तो उन्हीं से यह सिस्टम चल रहा है, और ये सिस्टम को मैं विस्तृत करना चाहता हूँ, ताकि अधिकांश लोगों को, सबसे पहले जो मेरा जो मिथिला स्वस्थ मिथिला अभियान जो मैंने मेरे अंदर में एक जहन में कहीं ना कहीं चल रहा है, उसका एक शुरुआत मैंने ये किया है, और इसी कारण से मैं इतना मेहनत दिन रात कर रहा हूँ, ताकि एक ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करें कि सबसे पहले अपनी मिथिला को हम स्वस्थ बनाएं। जब एक एक घर स्वस्थ होगा, एक इंडिविजुअल स्वस्थ होगा, एक एक व्यक्ति स्वस्थ होंगे, तब एक परिवार स्वस्थ होगा, एक परिवार स्वस्थ होगा तब एक समाज स्वस्थ होगा, और जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तो पूरा देश भी स्वस्थ होगा। हेल्दी मिथिला हेल्दी नेशन, इसलिए हेल्दी फैमिली हेल्दी नेशन, एक इस तरह के भाव को लेकर हम यह अभियान के रूप में इसको चलाना चाह रहे हैं, जिसमें आप सबों की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि यह जो मेरी भावनाएं हैं इन भावनाओं को लोगों तक भी पहुंचाना, ताकि लोग भी इसमें अपनी सहभागिता दें, क्योंकि सभी लोगों की सहभागिता से ही यह सफल होगा। अतः ये जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है उसी की एक छोटी सी शुरुआत है। जाते जाते अपने खासकर मधुबनी के वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी मिथिलावासियों को हम हृदय से प्रणाम करते हुए यही आग्रह करेंगे कि जिन चीज़ों के लिए इतने दिन से आप वंचित हैं, जिन चीज़ों से आप अपने जान, अपने परिवार के जनों का जान गंवाते आ रहे हैं हम लोग, हम उन चीज़ों को रोकने के प्रयास के लिए अग्रसर हुए हैं, और इसमें आप सबों की सहभागिता आवश्यक है। जब तक हम सब अवेयरनेस से वाकिफ नहीं होंगे, जब तक सब मिलकर हम लोग इसको नहीं करेंगे, तब तक मैं अकेले इन चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि जो आगे मैं अभियान चलाना चाह रहा हूँ उसमें सब लोग मिलकर भाग लें, और अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो, अवेयरनेस हो, ताकि स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल हम लोग बोलते हैं कि स्वस्थ होकर जीने का सबका हक है। ईश्वर ने जो जीवन दिया है, ईश्वर ने जो शरीर दिया है, इस शरीर को रक्षा करते हुए, इस शरीर को कितना अच्छा से हम रखें, ताकि अधिक से अधिक अपने शरीर को सर्वाइव करा के अधिक से अधिक लंबी आयु को हम लोग प्राप्त करें, इसके लिए हम लोग को अग्रसर रहना है, इस सब के लिए हम लोग को सोचना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। शरीर है तभी सारी दुनिया है, तभी आपकी सारी माया है, सभी बिजनेस है, सारे जितने भी काम काज हैं सब कुछ है। तो पहले अपना ध्यान रखना है, पहले अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और कैसे रखें ये मैं मार्गदर्शन दूंगा, आपको भी दूंगा, आपके परिवार में आऊंगा। ये नहीं कि मैं अस्पताल में ही, मैं अस्पताल से निकल कर आपके घर घर आऊंगा, और घर घर आकर के मैं यह मार्गदर्शन दूंगा कि कैसे अपना और अपने परिवार का हम स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम, जैसे आप देख रहे हैं अभी कि हार्ट के, खास करके हार्ट के मरीजों को, हार्ट के कारण से हार्ट अटैक बहुत यंगर अवस्था में, 30 से 35 साल, कभी 25 साल 26 साल में भी सडन कार्डियक अरेस्ट होता है हार्ट अटैक के कारण से, और यह नंबर वन किलर है पूरे वर्ल्ड पे, पूरे विश्व में नंबर वन किलर है हार्ट अटैक। तो हार्ट की समस्या तो मुख्य रूप से है ही, जो नंबर वन किलर है, जो फुल्ली प्रिवेंटेबल है, अगर हम समय से अपना ध्यान रखें, समय से अपना हर चीज़, जो प्रिकॉशन है उन चीज़ों को ध्यान रखें, तो इसको पूर्णतः रोका जा सकता है।
बस इसी के लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है, और आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस रहना होगा, तभी हमारे हमारा जो कार्य है वो सफल होगा। इसलिए आप सबों से प्रार्थना है कि आप सभी इस कार्य में सहयोग देकर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का, सभी लोग मिलकर के स्वस्थ मिथिला, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत बनाने के अभियान में सब लोग शामिल हों, इसके लिए आप सबों को मेरा अपील है, आग्रह है। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि आप भी मधुबनी आसपास के लोग हैं और आप भी किसी अच्छे अस्पताल को इलाज के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो आप जेम्स फोर्ड अस्पताल में ज़रूर आए, और यहां पर जिस तरह का इलाज है, जिस तरह का फैकल्टी है, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी में एक व्यवस्थित और एक हाई लेवल की चिकित्सा जो है वो फैसिलिटी दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।